पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ बोकारो कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप पेट्रोल बेचा। कांग्रेस नेताओं ने ठेला गाड़ी को मालवाहक गाड़ी बनाकर रिक्शा भी चलाया। इस दौरान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार जन विरोधी एवं किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश की जनता से झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। उन्होंने लोगों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। आइए देखते हैं कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, आवाज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जी बताया जाए, आज राजेश जी, आज आप लोग का राष्ट्रव्यापी जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे झारखंड में तेल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर आप लोगों ने आज देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें निर्देश आया था कि जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है उसको लेकर के पूरा देश व्यथित है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो चिंतित हैं। आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी का संदेश आया था कि इस कार्यक्रम में आम लोगों का जुड़ाव हो और साथ ही साथ जो जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हुई है फ्यूल प्राइसेस की, तो उस पर एक पूरा सोशल एक्टिविटीज भी हो। तो आज हम लोग सोशल एक्टिविटीज भी करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के थ्रू हम लोग लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से जब प्रति बैरल जो लीटर था विदेशों में, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था, उसका किस तरह से नीचे गिरावट आई और देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती गई। तो हम लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और हम ये समझते हैं कि कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना है। इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी संयम बरतते हुए लोगों से आग्रह किया था कि एक जो है सिंबॉलिक प्रदर्शन हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो हम लोगों ने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन के बावजूद काफ़ी लोग यहाँ जुटे हैं। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार हमारी आवाज़ को, जो पूरे देश से उठ रही है कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को, निश्चित रूप से सुनने का।